मिली बड़ी कामयाबी, पोल्ट्री फार्म पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। लगभग 40 लाख कीमत की हरियाणा निर्मित 455 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने किया बरामद। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, वहीं और शराब माफिया भागने में सफल रहे। हल्दी थाना क्षेत्र के मुडाडीह गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रहा था शराब का अवैध कारोबार। अवैध तरीके से हरियाणा से लाकर रिफिलिंग कर बिहार में बेचने का बड़े पैमाने पर हो रहा था कारोबार। पुलिस बड़े नेटवर्क की तलाश में जुटी। स्वर्ण रानी के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से कि एक जगह पर कुछ लोगों ने अवैध शराब इकट्ठा कर रखी है और वो उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि संभवतः वो उसे सीमा पार बिहार में ले जाकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस पर पुलिस ने टीमें बनाते हुए जो स्थान था उसे घेरा गया, वो पोल्ट्री फार्म था एक, जिसे घेर कर जब तलाशी ली गई तो वहाँ से 455 पेटी लगभग 4000 लीटर हरियाणा मार्क का शराब बरामद हुई है, जिसकी कि बाज़ार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। इसमें 3 युवक भी वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये पोल्ट्री फार्म बच्चा सिंह का है और यहाँ पर ये लोग शराब इकट्ठा करके आगे बेचते हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो वांछित हुए हैं पुलिस की तरफ से और 3 गिरफ्तार हैं। मुकदमा दर्ज कर शराब सीज की गई है पुलिस की तरफ से और आगे इसमें कार्यवाही की जा रही है। बलिया आए तो सर, ये बीच में इनका मोडस अप्रेंडिस सर होता क्या है, कैसे ये लोग बलिया लेके आते हैं और फिर बलिया से ये लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं बिहार जी? इसमें ये शराब जो है, जो अभी तक की इन 3 अभियुक्तों से पूछताछ हुई है, पता चला है कि ये इसको हरियाणा से लेकर आते हैं और कई बार ये अरुणाचल या अन्य स्थानों पर ले जाने के बहाने लाते हैं कागजात तैयार करके और यहाँ लाकर डंप कर देते हैं रास्ते में। इसे ये कई स्थानों पर छुपा कर लाते हैं गाड़ियों में, जैसे ये पोल्ट्री फार्म था तो मुर्गी पालन की आड़ में दाने के नीचे या अंडे की खेप के नीचे इसको छुपा कर लाते हैं और यहाँ पर इकट्ठा करके ये आगे बेचते हैं। इसमें पुलिस ने अभी 3 युवकों से पूछताछ की है, जो फरार है उनकी तलाश चल रही है। तो 3 फरार अभियुक्तों के लिए टीमें बनाई गई हैं, उनसे आगे और पूछताछ की जाएगी, जिसमें कि इस पूरे प्रकरण का अनावरण किस प्रकार ये करते हैं ये कार्यवाही ये पूरा जांच। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।